हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका 10G एक्सप्लेन के एक और अपडेट में। और आज है मेरे पास आप सबके लिए DC, मार्वल और हॉलीवुड के ढेर सारे अपडेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अब से हर वीक में वेंसडे को मैं ऐसे ही ढेर सारे न्यूज़ रिलेटेड टू DC एंड मार्वल एंड ऑफकोर्स बाकी सारे वेब सीरीज और मूवीज़ के अपडेट कवर करूँगा। सो इन अपडेट्स से अप टू डेट रहने के लिए आपका हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करना ज़रूरी है। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब बढ़ते हैं आज के हमारे सबसे पहले अपडेट की तरफ, जो कि मार्वल से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली स्कारलेट जोहानसन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो मार्वल में ब्लैक विडो के रोल के लिए रिटेन करेंगी या नहीं, तो इस पर तो उन्होंने ना कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब उनका रोल मार्वल में कंप्लीट हो चुका है। और कुछ ऐसा ही सवाल जब क्रिस इवन से पूछा गया तो उनका जवाब भी कुछ इसी तरीके से सिमिलर था। उन्होंने कहा है कि वे अपने लाइफ के उस चैप्टर से प्यार करते हैं और उसी को वजह से वो आगे काम कर पा रहे हैं। अब देखो, उन्होंने साफ तौर से इनकार तो नहीं किया है, सो वी फैंस कैन होप फॉर द बेस्ट। मतलब मार्वल स्टूडियो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब तो मार्वल में मल्टीवर्स भी आ गया है, तो कुछ भी पॉसिबल है। टॉम हार्डी के वेनम 3 को अनाउंस किए हुए काफी वक्त हो चुका है और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि टेड लेसो वेनम 3 में टॉम हार्डी के अपोजिट दिख सकती हैं। हालांकि उनका रोल क्या होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ अपडेट निकल कर आया तो यूट्यूब चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। काम ही है यही करना, तो करना तो पड़ेगा ही। सोनी से एक और कन्फर्मेशन आया है कि क्रेवन द हंटर सोनी का पहला R-rated मार्वल मूवी होने वाला है और इसमें राइनो का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जो लोग राइनो को नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बता दूं कि राइनो का फर्स्ट अपेयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 41 1966 में हुआ था। कॉमिक बुक में राइनो का नाम एलेस्की सिट्सविस रहता है। नाम का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हुआ तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं क्या करूँ, नाम ही इतना अजीब है। सो फैंस, एलेस्की रशियन माफिया का मेंबर होता है जिसे अपने स्वयं की इच्छा की वजह से केमिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट की वजह से अपना पावर मिलता है। इसकी पावर से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और साथ ही इसके ऊपर गामा रे का भी असर नहीं होता, थोड़ा बहुत अपने हल्के जैसा। यह कॉमिक बुक में सिनिस्टर 6, शील्ड और थंडरबोल्ट्स का भी मेंबर रह चुका है। राइनो के बारे में इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि आज का हमारा वीडियो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो फैंस, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फैंटास्टिक 4 से निकल कर आया है और ये न्यूज़ बहुत सारे सोर्सेस से क्लेम किया जा रहा है। एडम ड्राइवर, जो कि स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस में काइलो रेन का रोल प्ले कर चुके हैं और हाल ही में उनका 65 मूवी आया था। कुछ सोर्सेस के हवाले से एडम मार्वल में फैंटास्टिक 4 के रीड रिचर्ड्स का रोल ऑफर किया गया है। वैसे आपको एडम रीड रिचर्ड्स के रोल में कैसा लगेंगे ये हमें कमेंट करके बताओ। अब मार्वल के बाद बात करते हैं DC के अपडेट्स के बारे में। सो फैंस, रिसेंटली एना डे आर्मस से पूछा गया कि क्या वो DC में नए वंडर वुमन का रोल प्ले करने वाली हैं, तो इस पर उन्होंने कहा है कि गैल गैडोट इस रोल में अच्छा काम कर रही हैं, मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्टली डिनाई कर दिया है। वैसे एना डे आर्मस और क्रिस इवंस का एप्पल टीवी प्लस पर घोस्टेड फिल्म रिलीज हुआ है जिसका रिव्यू मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की तरफ। सो फैंस, ट्वेलाइट एक सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज रहा है जो कि बुक सीरीज पर बेस्ड था और रिसेंटली खबर आया है कि ट्वेलाइट सीरीज के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक कास्टिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं आया है। आप सबको पता है कि यदि अपडेट आया तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर बता ही दूंगा। सो फैंस, आज के इस अपडेट में बस इतना ही। आपका मूवी या किसी वेब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ इंस्टा पर ही DM करना क्योंकि मैं हर जगह नहीं हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपडेट। गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।